श्वेत की वीडियो कॉल आई थी और मुझे लग रहा था कि बहुत मतलब गंदे तरीके का झगड़ा कर रहे हैं दोनों, तो मुझे नहीं पता था कि उसे मेरा कज़न मिलेगा या मेरा कज़न अचानक से वहाँ कैसे पहुँच गया, ये दोनों कैसे मिले कैसे नहीं मिले। बट जब उसकी वीडियो कॉल आई थी तो मैंने उसको बोला था कि हम मिल के सॉर्ट आउट कर लेंगे वहाँ। सही बस बिना पैसे में करवाते तो अच्छा ही फील होगा, मैं शूट हो जाता ना वो फ्री में काम निपट गया, अगर उस दिन मैंने रेल में करवाने पड़े अगर बाहर से तो कितने के होते हैं। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो कैसे हो आप सब, आई होप सब ठीक ही होंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि मैं शूट्स वगैरह करती रहती हूँ, तो आज मेरा एक और शूट है जो कि नेल्स पे है, जहाँ पे मुझे नेल एक्सटेंशंस करवाने हैं, तो अभी मुझे वहीं पे जाना है। तो आज का व्लॉग मैं दोपहर को स्टार्ट कर रही हूँ, आई थिंक अभी 3:30 हो रहे होंगे। तो साथ में मुझे यार शोएब से भी मिलना है, एक्चुअली उसको मेरा कल कज़न मिला था, मुझे नहीं पता कि उन दोनों में क्या बात हुई क्या नहीं बात हुई। बट मुझे शोएब की वीडियो कॉल आई थी और मुझे लग रहा था कि बहुत मतलब गंदे तरीके का झगड़ा कर रहे हैं दोनों, तो मुझे नहीं पता था कि उसे मेरा कज़न मिलेगा या मेरा कज़न अचानक से वहाँ कैसे पहुँच गया, ये दोनों कैसे मिले कैसे नहीं मिले। बट जब उसकी वीडियो कॉल आई थी तो मैंने उसको बोला था कि हम मिल के सॉर्ट आउट कर लेंगे वहाँ पे, मैं अपने कज़न को भी बुलाऊँगी और शोएब को भी बुलाऊँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आगे कहीं मतलब कि झगड़ा हो, क्योंकि मेरा और शोएब का तो सॉर्ट आउट हो गया था, बट ये बात मेरे कज़न को नहीं पता थी। वैसे आप सबको भी पता होगा मतलब मैं लड़की हूँ तो वो मेरा भाई है, तो कज़न कैसे होते हैं या भाई कैसे रिएक्ट करते हैं उन सब, मतलब कि किसी भी भाई को पसंद नहीं होता है कि उनकी बहन मतलब किसी लड़के के साथ बात करें या बाहर घूमें वगैरह वगैरह। तो मैंने उसको बोला था कि हम मतलब मिलके सॉर्ट आउट कर लेंगे, हम मिलेंगे आज। तो पहले तो मैं जा रही हूँ अपने शूट पे, जब मेरा शूट में एक या दो घंटा तो लगेगा ही लगेगा, वहाँ पे जैसे ही मेरा शूट ख़त्म होगा तो मैं उसको कॉल करूँगी, तो वो जब आएंगे तो फिर उनसे मिलके बात करते हैं। तो अभी मुझे शूट वाली जगह पे 3:30 पे बुलाया था, जो कि 3:30 अभी घर पे ही हो गए हैं, तो मैं वहाँ पे लेट हो गई हूँ। यार पता नहीं आज फिर शोएब से मैं मिल पाऊँगी या नहीं मिल पाऊँगी, अभी भी बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी। अभी मैंने अपने बाइक को बोला कि मुझे थोड़ा सा आगे छोड़ गया, जो कि लो ये स्कूटी लेके ऑलरेडी रेडी है, अभी निकलते हैं। मुझे 3:30 बजे बुलाया था लेकिन अभी बज चुके हैं 4:30, तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा नेल शूट होगा। और मैंने अभी शोएब को भी कॉल कर ली थी और कज़न को भी कॉल की थी, दोनों ने यही बोला कि पहले अपना काम देख लो, जब वहाँ से फ्री हो जाओ तब हमें कॉल करना, तो हम सारे इकट्ठे मिलके वो बात सॉर्ट आउट कर लेंगे। अगर मैं नहीं चाहती कि आगे लड़ाई हो, बस वो बात ख़त्म हो जानी चाहिए, मैं नहीं चाहती कि आगे ज़्यादा झगड़ा हो या कुछ ऐसा वैसा हो जैसे कल हुआ था। तो फिर उनके साथ मिलते हैं शूट के बाद। तो मैं अंदर आ चुकी हूँ जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे, तो अभी मैम को भी मिलते हैं जिन्होंने मेरा शूट करना है। कहाँ पे है मैम? अंदर हैं। हेलो, तो ये रहे मेरी मैम जिन्होंने अभी मेरा नेल्स का शूट करना है। तो लेट तो नहीं हुई ज़्यादा? नहीं नहीं, अभी तो टाइम पे हो। आपने 3:30 बजे बुलाया था, मैं 4:30 हो गया। कोई ना, वो हमें पता है लेट आना असूल है आपका। तो देखा मैम कितने अच्छे हैं, मतलब लेट होने पे डांटते बिल्कुल नहीं है। तो अभी करें स्टार्ट इधर ही, तो अभी नेल्स देखते हैं, स्टार्ट करते हैं शूट को। ऐसे ही रखना सेम। मैम ने देखो कौन से कलर कर दिया, कौन सा वाला करना, समझ नहीं आ रही कौन सा करना है। कौन सा, ये वाला? यस पक्का। तो ये वाला कलर कर रहे हैं, ये वाला। पर मैम तो बोल रहे थे, मैं सारे क्या बोल रहे थे, तिरंगा बनाएंगे, तिरंगा बना लो, ये सारे ये अच्छे लग रहे हैं, लेकिन जोकर लगना था मैंने। सच बोल रहे थे या ऐसे सच बोल रहे थे? ये तो राहुल मैंने चेंज करवाया आके। जो नेल पेंट अभी चूज किया था वो वाला और है, ये भी अच्छा लगेगा वैसे भी, ये वाला अच्छा लगेगा। ठीक है फिर दोनों को करवा के बताओ। मैं कुछ भी कैसे फील हो रहा है बिना पैसों के नेल्स करवा के। सही बात, बस बिना पैसे में करवा के तो अच्छा ही फील होगा। मैं शूट हो जाता ना वो फ्री में काम निपट गया, अगर उस दिन मैंने रेल में करवाने पड़े अगर बाहर से तो कितने के होते हैं। ये आपको मैक्सिमम लगेगा 3,000-3,500 का। 3,000-3,500 उधर बोलना, अगर बाहर से करवाने हो तो 3,000-3,500 बच गया। हाँ मतलब मॉडल्स का बच जाता है, मेरा भी बच गया, मतलब ये सही है मॉडल्स का, मतलब हेयर्स का भी ट्रीटमेंट करवा लो, शूट में फ्री में आपको करंट भी मिल रहे हैं। ये भी मिल रहा है, कन्ने चार भी थोड़ा रहा। तो भी कितना लगता है इसमें?
अभी 10 मिनट लगेंगे, बस 8 मिनट अभी 10 मिनट लगेंगे, फिर 10 मिनट के बाद मिलते हैं। सो फाइनली मेरे नेल्स डन हो चुके हैं जैसा कि आप देख रहे हो दोनों हाथों के, और थैंक यू सो मच। तो मेरे को पहले ये बताओ, बोर तो नहीं हुए ज्यादा? नहीं बिल्कुल भी पक्का? हाँ पक्का, क्योंकि मैं ज्यादा बोलती नहीं हूँ। हाँ वो हमें पता है, नहीं बोलती हूँ। तो आज का दिन कैसा गया सर? आज का दिन बहुत अच्छा था आपके साथ। पक्का? और कुछ बोलना है? नहीं नहीं फिलहाल अभी तो नहीं। पक्का कुछ नहीं बोलना? नहीं। आपको? आपको कैमरामैन कुछ नहीं बोलना है? नहीं बोलना तो बता दो। कुछ बोलना चाहते हो? नहीं बोलो। घर में राजमा चावल इंतजार कर रहे हैं। राज में जब इंतजार कर रहे हैं तो भूख तो मुझे भी लगी है। आपको? हाँ मैं तो बहुत लगी है फिलहाल। तो मुझे मतलब मैक्सिमम लगा था कि दो घंटे लगेंगे, लेकिन सच में इतना टाइम लगता है? हाँ मैक्सिमम इतना टाइम लगता है। अगर चुप करके करते तो वो थोड़ा कम लगता, हम बोलते जाते हैं तभी ज्यादा लगा। अच्छा मुझे लगा कि आप मेरे लिए बोल रहे हो कि मैं ज्यादा बोलती हूँ। हम ज्यादा बोलते हैं। तो थैंक यू सो मच फिर आज के लिए। तो सच में हाथ बड़े ज्यादा प्यारे लग रहे हैं यार। चलो फिर निकलते हैं अभी घर के लिए, टाइम तो ज्यादा हो गया। अभी 7 बज गए हैं। मैं कितने बजे आई? 8 बज गए हैं अभी। 7 नहीं 8 8 बज गए हैं। तो मुझे अभी फ्रेंड के साथ भी मिलना था, तो आज मैं मिल नहीं सकती, तो फिर कल देखते हैं उनके साथ। इनके भी दिखा दो नेल्स, इनके नेल्स किए इन्होंने, इनके भी नेल्स किए हैं इन्होंने। ये भी बहुत ज्यादा प्यारे हैं, देख आप तो प्रोफेशनल हो। किए हैं हमने, दिखाओ आप इनके। मजाक डाल रहे हैं आप इनका। इतना ही मजाक लेते हैं सच में? यस इतना ही लेते हैं। चलो कभी आप दोपहर को आना हमारे। मैं आई हूँ पहले भी शूट के लिए दोपहर के टाइम। चलो अभी निकलते हैं, अभी लेट हो गया। चलो बाय बाय। अभी मैं घर के लिए निकल चुकी हूँ जैसा कि आप देख रहे हो, और मुझे आज शोहेब और अपने कज़न के पास जाना था मिलने के लिए, जो कि उनके साथ बात को मैंने डिस्कस करना था, बट आज मैं उनके पास जा नहीं पाऊँगी। मेरा सारा टाइम आज मतलब इन्हीं नेल्स पे लग गया, तो मैक्सिमम अभी 8:30 हो चुके हैं, तो अभी मैं उनके पास जा नहीं सकती हूँ ना अभी मिल सकती हूँ। अभी मैं डायरेक्ट घर जाऊँगी, तो उनके साथ कल मिलके बात डिस्कस करूँगी। तो मिलते हैं कल फिर। बाय बाय।